students, so today we'll start our new chapter, an intelligent man. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लैम के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट यानी होशियार होता है. वंस देयर लिव्ड अ शेफर्ड बॉय. ही टुक केयर ऑफ अ फ्लॉक ऑफ शीप. ही हैज अ लैम आल्सो. तो देखो, एक बार क्या था, एक बॉय होता है, शेफर्ड बॉय, जो किसका ध्यान रखता था? फ्लॉक ऑफ शीप. मतलब फ्लॉक मतलब होता है ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ शिप्स का ध्यान रखता था. और उसके क्या था, उसके पास एक लैम भी था. लैम कौन होता है? जो शीप का बेबी होता है. वंस द लैम वेंट विद द फ्लॉक ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग. तो एक बार जो लैम है वो कहाँ पे चला गया? शीप के साथ ग्रेजिंग करने. यानी ग्रेजिंग क्या होता है, देखो, जब घास खाने जाते हैं ना, ग्रीन एरिया, तो उसी को ग्रेजिंग बोलते हैं. ही सून फाउंड सम स्वीट ग्रास एट द एज ऑफ द फील्ड. तो उसको क्या देता है, फील्ड के कॉर्नर पे उसको ग्रास दिखाई देता है. ही वाज सो बिजी इन ईटिंग दैट ही वेंट अवे फ्रॉम अदर्स. तो वो उसको खाने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो बाकी सब ग्रुप से क्या हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है उसको खाते खाते. ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ सो मच दैट ही डिड नॉट नोटिस अ वॉइस कमिंग नियरर टू हिम. वो इतना ज्यादा बिजी हो गया था उसको कि उसने एकदम नोटिस ही नहीं करा कि उसके पास कौन आ जाता है, वुल्फ आ जाता है. ही वॉज स्टन व्हेन ही सॉ अ वुल्फ. वो एकदम से जब उसको देखता है क्या हो जाता है, एकदम सरप्राइज हो जाता है. द वुल्फ ट्राइड टू पाउंस अपॉन द लैम, स्टार्टेड टू प्लीड क्विकली, प्लीज प्लीज डोंट ईट मी राइट नाउ. तो देखो क्या करता है, पाउंस मतलब एकदम से उस लैम पर अटैक करता है. कौन? वुल्फ. तो एकदम से लैम क्या करने लगता है, इसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है कि प्लीज प्लीज मुझे इस वक्त मत खाओ. माई स्टमक इज फुल ऑफ ग्रास, इफ यू वेट अ वाइल आई विल टेस्ट मच बेटर. तो बोलते कि अभी तो मेरा जो स्टमक है यानी पेट है वो पूरा घास से भरा हुआ है, अगर तुम थोड़ा वेट करोगे तो तुमको और अच्छी चीजें मिलेंगी. द वुल्फ थॉट फॉर अ मिनट एंड डिसाइडेड दैट इट वॉज अ गुड आइडिया. तो पहले तो वो थोड़ा देर सोचता है और फिर सोचता है कि हाँ, आइडिया तो अच्छा है, चलो वेट करता हूँ. सो ही सैट डाउन एंड वेटेड बिकॉज ही वॉन्टेड अ टेस्टी फूड. तो क्या करता है, वो नीचे बैठ जाता है और वेट करता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, उसको टेस्टी फूड चाहिए था, इसलिए वो वहीं पे बैठ जाता है. आफ्टर अ वाइल द लैम सेड, इफ यू अलाउ मी टू डांस, द ग्रास इन माय स्टमक विल बी डाइजेस्टेड फास्टर. तो लैम पूछता है, अगर तुम मुझको अलाउ करोगे डांस करने के लिए, तो जब मेरे स्टमक में ग्रास है वो जल्दी जल्दी क्या होगा, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा. द वुल्फ थॉट दैट इट वॉज अ गुड आइडिया, सो वी स्टार्टेड वेटिंग. वो वुल्फ सोचता है ये भी अच्छा आइडिया है, चलो मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ. व्हाइल द लैम वॉज डांसिंग ही हैड अ न्यू आइडिया. तो अब लैम डांस कर रहा था, उसके पास एक और नया आइडिया आता है. ही सेड प्लीज टेक द बेल फ्रॉम अराउंड माई नेक. तो बोलता है प्लीज, जो ये मेरे नेक में बैंड लगे गया इसको निकाल दो. If you ring it as hard as you can, I will be able to dance even faster. तो बोलता है कि अगर तुम उसको जल्दी जल्दी बजाओगे ना बेल को, तो मैं उतनी ही जल्दी क्या करूँगा, उतना ही ज्यादा जल्दी डांस करूंगा और उतने ही क्या होगा, जल्दी जल्दी मेरा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा. द वुल्फ डिसाइडेड टू डू सो. तो जो वुल्फ होता है वो भी रेडी हो जाता है ऐसा करने के लिए. ही टुक द बेल एंड रैंग इट एज हार्ड एज ही कुड. तो उसको बेल को लेता है और जितना ज्यादा वो उसको तेजी से बजा सकता है उतना तेजी से रिंग करता है. द शेफर्ड बॉय हर्ड द बेल रिंगिंग एंड क्विकली सेंट हिज डॉग्स टू फाइंड द मिसिंग लैम. तो जो शेफर्ड बॉय होता है उसको बेल की आवाज आ जाती है, तो क्या करता है, जल्दी से डॉग्स को भेजता है किसको, ताकि जो मिसिंग लैम है उसको ढूंढे. द डॉग्स केम बार्किंग एज हार्ड एज दे कुड. तो जो डॉग्स होते हैं वो वुल्फ पे आकर क्या करने लगते हैं, बार्क करने लगते हैं, यानी खोपने लगते हैं. द वुल्फ गॉट फ्राइटेंड एंड रन अवे फ्रॉम देयर. तो जब वुल्फ है वो डर जाता है और वहां से क्या करता है, एकदम से भाग जाता है. Thus, the life of the lamb was saved. तो ऐसे ही हमारी क्या लैम की लाइफ बच गई. His intelligence saved his life from the fierce and strong wolf. तो देखो उसकी चालाकी से क्या हुआ, उसने दिमाग लगाया ना, मैं ऐसे ऐसे करूँ ताकि उसको सुनाई दे जाए. तो अपनी चालाकी से उसने अपनी जान बचाई, किससे, fierce and strong wolf, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और डरावनी थी, यानी डेंजरस, खतरनाक. तो ऐसे ही अपने उसने क्या करा, इंटेलिजेंस से अपनी लाइफ बचा ली. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.